तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो इस बहुत ही खूबसूरत से प्लांट टेक्सस सेज की कटिंग को कैसे लगाना है इसके ऊपर है। और मेरा एक रूटेड प्लांट है जो मतलब मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। विंटर सीजन में जब रेनफॉल हुआ था तो मैंने कटिंग लगाई थी, तो उसका जो अपडेट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो कटिंग को लगाना कैसे है, फ्रेश कटिंग्स को कैसे हमें तैयार करना है, कैसे लगाना है, वो सारा कुछ पॉटिंग मीडिया वगैरह भी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये मेरा वो प्लांट है जो कि मैंने विंटर सीज़न में ग्रो किया था, जबकि विंटर में मतलब उतने अच्छे सक्सेस रेट्स नहीं रहते, फिर भी मैंने ये कटिंग लगा दी थी। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था जब बारिश हुई थी, विंटर सीज़न में रेनफॉल हुआ था तब मैंने लगाया था। तो दो तीन कटिंग लगाई थी, तो उसमें से दो नहीं चली थी, एक चली। तो हाँ, जब भी आप इसकी कटिंग लगाते हो तो कम से कम कोशिश करो कि दो से तीन या चार कटिंग हो। और आप देख सकते हो ये एकदम वुडी सी मैंने ली थी, तो इसमें मुझे अच्छे रेट्स मिले, और जो स्टार्टिंग की ग्रोथ वाली थी उसमें सक्सेस रेट्स मुझको नहीं मिले। तो उससे ये तो प्रूव हो गया कि इस तरीके की कटिंग लगती है इसकी, मतलब मोटी कटिंग, और जितनी मोटी हो उतना अच्छा है। और अभी मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ उसमें रूट्स कैसी आई है। अभी हम लोग इसको आराम से निकालें, टैप करके निकालो, ठोक के निकालो। अभी आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी इसमें रूट्स का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर देखो कितना क्यूट सा ये नई शूट निकल रही है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये पूरी कटिंग कितनी अच्छी चल रही है, ये कितनी अच्छी ग्रो हुई है ना। तो इससे मतलब मैं हमेशा वैसे वीडियोस में कहती आई हूँ कि जो इस तरीके के हार्डी प्लांट्स होते हैं, जो फुल सन में चलते हैं, हीट टॉलरेंट प्लांट्स हैं, ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट इस तरीके के जो हैं उनके आप प्रेफर करा करो। जैसे गुड़हल है और कामिनी है और बहुत सारे चांदनी वगैरह, सबकी मोटी कटिंग ही अच्छी ग्रो होती है। तो सिमिलरली इसमें भी ये भी ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है और फुल सन में चलता है। इसकी भी आपने देख लिया कि हार्डी इस तरीके की हार्डवुड कटिंग ही इसकी चलती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को जो कटिंग लेनी है टेक्सस सेज की, और प्रेफर करना कि थोड़ी सी मोटी कटिंग ही हो। मतलब जैसे ये स्टार्टिंग का इसका पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रोथ जा रही है। तो ये वाली जो कटिंग है ना, एकदम स्टार्टिंग की, इसके लगने के चांसेस कम होते हैं। और इस तरह की जो हो जाती है, थोड़ी सी इधर की जो जा रही है, थोड़ी सी यहाँ पे आप देखोगे ये लाइट है कलर, सॉफ्ट वुड टाइप है। मतलब बहुत सॉफ्ट तो नहीं कह सकते, बट ये वाली है ना सेमी हार्ड है। तो सेमी हार्ड जो है इसकी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, या फिर हार्ड हो, यहाँ पर आप देखोगे तो हार्ड वाली ले सकते हो बिल्कुल, या तो फिर सेमी सॉफ्ट भी ले सकते हो। तो अभी क्योंकि फ्लावरिंग का सीज़न चल रहा है, और तो मैं बिना डिस्टर्ब किए प्लांट को ज़्यादा इसकी इस तरह की कटिंग ले रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके की है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और सेमी हार्ड कह सकते हो। और मोटी मिल सके तो और अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत मतलब प्रूनिंग वगैरह कर दी थी सीज़न स्टार्ट होने से पहले, तो इसलिए मैंने इस तरीके की कटिंग इसकी ले ली है। कटिंग को लगाने के लिए सारे पत्ते नहीं रिमूव करना है, सिर्फ नीचे के जो है इस तरीके के जो हैं, राज पकड़े रहे ना बाबू, इस तरीके के जो पत्ते हैं इन्हें बस ऐसे ही हाथ से रिमूव कर लेना है। वैसे मैं आपको एक से लगाना सिखा रही हूँ, पर आप लोग कोशिश करना जब भी लगाओ ज़्यादा कटिंग लेके आना इस तरीके से। नीचे के बस हमने ना इसके सारे साफ कर लिए। कटिंग को लगाने के लिए जो मैंने सॉयल मीडिया लिया है वो आप देख सकते हो, वो है ये। इसमें ज़्यादा अमाउंट में सैंड है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है पत्तियों की खाद है, लीफ मोल्ड लेना है, बालू लेना है आपको, और मिट्टी और खाद बिल्कुल भी नहीं लेनी है। या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट अगर हो तो वर्मी कंपोस्ट थोड़े अमाउंट में आप मिला सकते हो। तो पॉटिंग मिक्स में क्या क्या रहने वाला है, सैंड रहने वाला है, पत्तियों की खाद रहने वाली है, लीफ मोल्ड, और आपका वर्मी कंपोस्ट अगर हो तो वर्मी कंपोस्ट, काउडंग नहीं लेना आपको। ये हो गया पॉटिंग मिक्स। और सेम ही पॉटिंग मिक्स में मैं अभी इसको लगा रही हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा कि कटिंग में अच्छे से रूट आ गई है, प्लांट काफ़ी अच्छा हो गया, पर अभी एकदम से मैं इसका सॉइल मीडिया चेंज नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी मैं इसी तरीके के सॉइल मीडिया जिसमें मैंने कटिंग को ग्रो किया है उसी में मैं इसको लगा रही हूँ। कटिंग जो मैंने बनाई है कटिंग को लगाने के लिए, मैं ले रही हूँ ये फास्ट रूट, ये अमेज़ॉन पर ईजिली अवेलेबल होता है और इसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
तो कटिंग को बस इस तरीके से, और बिल्कुल कोई तिरछा विरछा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली इस तरीके से कटिंग को डिप करना है। और क्योंकि मेरे प्लांट का जो ये पॉटिंग मीडिया है यही मुझे आगे भी रखना है, मैंने थोड़ा सा राइस हस्क भी मिला दिया था इसके अंदर, एकदम लाइट मीडिया होगा, इसी के साइड ही में मैं इसको लगा दे रही हूँ, अलग से कोई पॉट एज सच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी ये नया प्लांट है, मतलब नया रूटिंग हो गई है, तो अभी भी हम इसे कुछ दिनों छांव में ही रखने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा तब तक इसमें भी रूटिंग हो जाएगी कटिंग में, तो मैंने अलग से कोई पॉट इसके लिए नहीं किया है। तो ये मेरा जो है जो रूटेड प्लांट था वो है, और ये कटिंग वाला है जो कि अभी मैंने आप लोग के साथ इसको भी लगा दिया है। लगाने के बाद हमें कहाँ रखना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। कटिंग को लगाने के बाद हमें कहाँ रखना है, हमें किसी भी जो भी शेड लविंग कोई प्लांट हो आपका उसके छांव में आपको इसको रखना है, उसके गमले के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे जो है जब भी मैं वाटरिंग करूँगी इसमें डालूंगी पानी, और यहाँ से इसको नीचे से नमी मिलती रहेगी, मतलब जैसे नर्सरीज में पॉलीबैग में लगा लगा के ज़मीन पर रख देते हैं वो वाला फील देने के लिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बड़ा पॉट है मेरा, ये शेड लविंग एक प्लांट है, उसके छांव में भी रहेगा ये, इसको नमी भी मिलती रहेगी, ठंडक मिलती रहेगी, और कटिंग के सक्सेस रेट्स हमारे बढ़ जाते हैं। नर्सरीज़ में यही करते हैं माली लोग, क्या करते हैं पॉलीबैग में बिना जो है मतलब टिकरी विकरी लगाए गमलों को, प्लास्टिक के गमलों को ऐसे डायरेक्ट ज़मीन पर रख देते हैं और उनकी कटिंग लग जाती है, उसका सक्सेस रेट हाई रहता है। उसका रीज़न यही होता है कि ज़मीन की नमी ठंडक उनको मिलती रहती है। तो सेम जो है ट्रिक मैं अभी अपनाती हूँ, मैं भी हमेशा जो भी मैं कटिंग से पौधे लगाती हूँ उनको कोई भी एग्जिस्टिंग इंडोर प्लांट के पॉट के ऊपर मैंने रख दिया, इस तरीके से मैं कोई भी शेड लविंग प्लांट के पॉट के ऊपर जो कटिंग वाला प्लांट है उसे भी रख देती हूँ। अब इसके बाद लास्ट काम है, हमें इसमें वाटरिंग करनी है, पहली बार बहुत अच्छे से वाटरिंग करनी है, जबकि रेनी सीजन चल रहा है तो उस टाइम में बारिश भी हो जाएगी, बट क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल इसको ट्रांसफ़र किया है, और एकदम से हाँ बड़े पॉट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, मतलब जैसे वो बहुत छोटा पॉट था जिसमें ये लगी हुई थी कटिंग, उससे थोड़ा बड़ा पॉट मैंने इसको दे दिया है, पर एकदम से बहुत बड़ा जैसे 10 इंच 12 इंच के पॉट में आपको कटिंग को नहीं लगाना। तो है वो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से कुछ नया ही जानने को मिला होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स, हैप्पी गार्डनिंग।